हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइस, व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस टिफ्लोशन के बारे में। टिफ्लोशन जो भी इसका नाम है, जैसे ही प्रोनंशिएट करते हैं भाई, तो ये एक ऐसा पोकेमोन है जो मेरा बड़ी बना हुआ है अभी तो फिलहाल। तो सबसे पहले इस पोकेमोन को इस वीडियो में फीचर करने के पीछे रीज़न क्या है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखी हैं, तो वो लोग मैंने देखा कि वो अल्ट्रा लीग में इस पोकेमोन को रखते हैं अपनी टीम में गाइस। और अल्ट्रा लीग की बात नहीं, ग्रेट लीग में भी मैंने कई बार इस पोकेमोन को काउंटर किया है। तो मेरे पास जो टिफ्लोशन है गाइस, इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले इवॉल्व किया था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कुछ वीडियो पहले बताया था गाइस, कि अगर आप अभी टिफ्लोशन इवॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है लेगेसी मूव ब्लास्ट बर्न। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है उसको देखने का। बट एनीवेज, मैंने वो वीडियो बनाई, काफ़ी लोगों ने देखी और काफ़ी लोगों ने इवॉल्व किया भी होगा। जिन लोगों ने वो वीडियो मिस कर दी, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी भाई, बेल आइकन दबा दो ताकि सारी नोटिफिकेशन ऑन रहे, वीडियोस आपको दिखती रहें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इन फ्यूचर। जो भी अपडेट आने वाले हो वो आप लोगों के साथ मैं पहले शेयर करूं। तो गाइज, अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टिफ्लोशन के बारे में। टिफ्लोशन के मूव सेट्स क्या है, सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं, और मैं क्यों इस पोकेमोन को ले रहा हूं वो भी कवर करेंगे गाइज। तो गाइज, आप लोगों को पता है कि अब एक्सेल पोकेमोन्स का टाइम आ चुका है, और डे बाई डे ये जो टूर्नामेंट है, ये जो गेम का फीचर है GBL गाइज, ये डे बाई डे हार्ड होता जा रहा है गाइज। लोग डेली गाइज एक्सेल कैंडीज इकट्ठी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर रहे हैं गाइज, जो कि बहुत मतलब अपने लिए सही नहीं है। अब क्या पता मास्टर लीग में अगर टिफ्लोशन पहुंच जाएगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है गाइज। एनीवेज, पहुंच जाएगा वो, मुझे पक्का लग रहा है, क्योंकि इसको पहुंचा देंगे एक्सेल कैंडी लगा लगा के पेल पेल के। तो गाइज, सबसे पहले टिफ्लोशन के बारे में आपको बता दूं गाइज, मेरे पास टिफ्लोशन कितने देख लो एक बार, मुझे पता है मैं नाम का गलत बोल रहा हूँ। ओके गाइज, तो दो हैं, एक ये गाइज जो कि अल्ट्रा लीग में मैं यूज़ कर सकता हूँ इन फ्यूचर। तो गाइज, ये फायर टाइप पोकेमोन है प्योर, ये सिंडाक्विल से बनता है इवॉल्व होके। इसके तीन रूप होते हैं, अभी तक तो वाइल्ड में इजीली अवेलेबल था। अगर आप लोगों ने पकड़ा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ा तो गाइज इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और झोटो रीजन के टाइम, सेलिब्रेशन के टाइम पे गाइज हम लोग को इसका लेगेसी मूव मिल रहा था। अगर अब आपको इसका लेगेसी मूव चाहिए तो उसके लिए आपको एलाइट चार्ज टीएम यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इस पोकेमोन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो गई है। बाकी आप लोग कमेंट करना है कौन से रीज़न का है और कैसा है ये पोकेमोन गाइज। तो भाई लोगों, मैंने क्या किया है मैं आपको बता दूं कि मैंने इस पोकेमोन को ट्राई किया है गाइज, अल्ट्रा लीग में ट्राई किया है, बट मैंने इसको मेन लीग में ट्राई नहीं किया, GBL में ट्राई नहीं किया। मैंने खाली ट्राई किया था गाइज कि इसके मूव सेट कैसे वर्क करते हैं। मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ खूब देखी गाइज, बट उन वीडियो से नहीं चलता पता, उन वीडियो से चलता नहीं पता, क्योंकि वीडियो की स्पीड जो पेस होती है वो अलग होती है गाइज। मैंने इसको पर्सनली ट्राई किया है गाइज, और जो इसके मूव सेट्स है सच में बहुत ज़्यादा फास्ट है। मतलब अगर आप ये मूव सेट अगर आप लगा देंगे इसके बाद गाइज, आप लोग कभी कमेंट नहीं करोगे कि प्रवीण भाई आपके पोकेमोन इतने फास्ट क्यों हैं। सबसे पहले मैं इसकी आपको IVs दिखा दूं, तो ये IVs आप देख लेना और कमेंट करना कितनी IVs हैं गाइज। अटैकिंग कम है, ये अच्छी बात है इसकी, जिसकी वजह से ये बहुत फ्रिक्वेंट और हो जाएगा। अटैकिंग कम होनी चाहिए, ये मुझे पहले पता नहीं था, ये मैंने अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जितने भी पोकेमोन लोग यूज़ करते हैं उनके अटैक्स लगभग 0-10 इतने ही होते हैं गाइस, ज़्यादा नहीं होते। 100 IV वाले पोकेमोन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़े स्लो होते हैं, ऐसा मतलब देखा है मैंने। बाकी रियलिटी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है। तो गाइज, अभी इसका हम लोग बेस्ट मूव सेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको मैं दिखा दूं गाइज, ये इसके बेस्ट मूव सेट नहीं है, दीज आर नॉट बेस्ट मूव सेट, बट काफ़ी लोग शेडो क्लो यूज़ करते हैं। शेडो क्लो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी पोकेमोन्स में यूज़ आता है गाइज, जैसे घोस्ट टाइप पोकेमोन्स में काफ़ी अच्छा इसका असर होता है। गिराटिना पे भी मतलब इतना अच्छा असर नहीं होगा, बट होगा गाइज, ठीक है, तो गिराटिना इसको ख़त्म कर देगा तो ड्रैगन टाइप पोकेमोन्स को ख़त्म कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बेस्ट मूव सेट से बताने से पहले बता देंगे इसकी अल्ट्रा लीग में ये किन किन पोकेमोन को काउंटर कर सकता है। बेस्ट मूव सेट हम लोग इसी वीडियो में बताएंगे, और क्या है वो भी बताएंगे गाइज, ठीक है। सबसे पहले गाइज, जब हम लोग इसको अनलॉक करते हैं, इसका जब हम लोग तीसरा मूव खोलते हैं गाइज, तो सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो कैंडीज रिक्वायरमेंट है बहुत कम है गाइज, 25 और 10,000, मतलब आप इसको ईजिली इसका न्यू अटैक खोल सकते हैं, तो मतलब इतना खर्चे वाला नहीं है पोकेमोन। प्लस इसको पावर अप करने में भी इतनी दिक्कत नहीं होगी, आपको दिखा दूं गाइस कि मैं इसको पावर अप कर सकता हूं, बट उसके लिए मुझे चाहिए गाइस 97,000 स्टारडस्ट प्लस 86 कैंडीज। अब आप समझ गए होंगे मैंने इसको बड़ी क्यों बना रखा है। तो ये बड़ी बनाने के पीछे रीज़न ये भी है
कि ये 3 किलोमीटर पे गाइस आपको कैंडीज देता है, देख रहे हो। अगर मैं ये सारे टास्क कंप्लीट कर दूँ इसके, तो ये एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइट होने के बाद ये 1.5 किलोमीटर पे एक कैंडी देगा। मतलब मैं आज दिन भर में इसकी सारी कैंडीज पूरी कर दूंगा। वापस चलते हैं पोकेमॉन के ऊपर, और मैं आपको बता देता हूँ कि इस पोकेमॉन के जो बेस्ट, मतलब बेस्ट बोल रहा हूँ, जब इसको आप अल्ट्रा लीग में यूज़ करेंगे तो कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं गाइज। सो गाइज, सबसे मेजर पोकेमॉन है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पोकेमॉन अल्ट्रा लीग में है गाइज, वो है विनासोर। विनासोर इतना ज़्यादा यूज़ होता है गाइज कि मतलब वो मैक्सिमम टीम की बैकबोन है। उस केस में ये पोकेमॉन गाइज एक एड ऑन है। ये पोकेमॉन होने से आप जितने भी ग्रास टाइप पोकेमॉन है, विनासोर हो गया, एबमस नाउ, तो गाइज डबल वीक है इसके सामने, डबल वीक है गाइज। वहीं पर आप ले लो इम्फोलियन को ले लो गाइज, इम्फोलियन भी परेशान हो जाएगा, स्नोरलैक्स। तो गाइज जो मैंने नाम लिए अभी, विनासोर, इम्फोलियन, गैलेड और एबमस नाउ, ये जो चार नाम लिए गाइज, ये चार तो मतलब मेन पोकेमॉन है अल्ट्रा लीग के। किसी भी प्रीमियर कप में देखोगे इन चारों में से एक पोकेमॉन पक्का होगा। और अगर आप लोगों ने मेरी लाइव स्ट्रीम देखी तो मेरी टीम ही यही है, इम्फोलियन, गैलेड एंड विनासोर, ये तीन तो मेरे पोकेमॉन है गाइज। तो गाइज अभी हम बात करते हैं, ओके, स्नोरलैक्स को भी ये कर देगा गाइज, कर देगा। तो इम्फोलियन को वीक क्यों करेगा? इम्फोलियन को वीक करने के पीछे रीज़न गाइज का ये है कि इसका जो ब्लास्ट बन है स्टील टाइप पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आगे बात करते हैं कि मतलब अगर स्वाम्पट है तो गाइज, अगर आप लोगों ने टिफोलियन चार्ज कर रखा है तो स्वाम्पट भी ख़त्म हो जाएगा। वहीं पर गाइज आपका मैचम भी ख़त्म हो जाएगा, गैराडोस भी ख़त्म कर सकता है। बट दिक्कत ये है कि इन पोकेमॉन्स के पास जो अटैक हैं वो थोड़े से मतलब इस पर अच्छे नहीं रहते गाइज। तो हम लोग इसीलिए चारिजार्ड हो गया, स्वाम्पट हो गया, गैंगर हो गया, मैचैम्प हो गया, गैराडोस हो गया, इनके सामने इसको नहीं लेके जा सकते। बट अगर ऑलरेडी आपने इसको ले रखा है और इसको चार्ज कर रखा है, इसका अटैक चार्ज कर रखें गाइज, तो ये बहुत अच्छा करेगा। शील्ड, शील्ड की जरूरत पड़ सकती है। तो जब भी आप इसको अपनी टीम में रखें तो आप कसम खा लें कि भाई कुछ भी हो जाए इसकी एक शील्ड इसकी रहेगी, एक शील्ड इसको देनी है गाइज, क्योंकि इसको एक शील्ड में ही ये सोलर बीम बना लेता है, बहुत जल्दी सोलर बीम आता है इसका। तो मैं इसके बेस्ट मूवसेट बता देता हूँ आप लोगों को, बेस्ट मूवसेट क्या है गाइज। तो गाइज ओके, ये इसके बेस्ट मूवसेट नहीं है, मेरे पास काफ़ी फास्ट टीम है गाइज, फास्ट टीम मुझे बहुत मिलते हैं। ओके गाइज, इंसिनरेट, ये गाइज इसके बेस्ट मूवसेट है। इफ़ यू आर हैविंग दिस मूवसेट, दिस पोकेमॉन इज गोइंग टू डू, मुझे नहीं पता भाई, बहुत ज़्यादा इंसिनरेट का डैमेज देखो यार, 29 का, मतलब देख रहे हो गाइज, मतलब गाइज अगर आपने किसी पोकेमॉन को मतलब डिबफ कर दिया गाइज और उसके बाद आपने स्विच कर दिया इसको, तो ये ख़त्म कर देगा उसको, ख़त्म गाइज। अब बात करते हैं इसकी वीकनेस के बारे में गाइज। एक फायर टाइप पोकेमॉन की जो बेसिक वीकनेस है गाइज, वही इसकी वीकनेस है, कोई डबल वीकनेस नहीं है इसकी। मतलब ऐसा नहीं कि गलती से वायर टाइप पोकेमॉन आ गया तो भगाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है सीन, ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। दिस पोकेमॉन इज़ नॉट डबल वीक टू एनी पोकेमॉन गाइज। तो अगर आपके सामने कोई भी पोकेमॉन आता है, ग्राउंड, रॉक, वाटर, डरने की बात नहीं, आपको वेट करना है उसके अटैक्स देखने, उसके अटैक्स क्या हैं, ठीक है। अटैक्स देखो, आराम से स्विच करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऊपर से इसका सोलर बीम है गाइज, मतलब अगर आपको लगे कि ये पोकेमॉन हमारा लास्ट पोकेमॉन और इसकी वीकनेस के सामने आ गई है और आपके पास एक शील्ड है गाइज, तो ग्राउंड हो, रॉक हो, वाटर हो, इन तीनों को गाइज सोलर बीम ख़त्म कर देगा और जड़ से ख़त्म कर देगा गाइज। तो समझ रहे हो गाइज, जो इसकी तीन वीकनेस हैं वो डबल वीकनेस नहीं है, बिकॉज ऑफ द ओनली फायर टाइप पोकेमॉन। अगर ये फायर और स्टील होता है, ये फायर और मतलब ग्रास तो पता नहीं तो मतलब कुछ सोचते गाइज, बट सोलर बीम भाई तबाही कर देगा, तबाही कर देगा गाइज। और ब्लास्ट वन जो फ्रिक्वेंट है गाइज, क्या बताऊँ मैं, आप लोग खुद ट्राई करो, आज ही ट्राई करो, कमेंट करना भाई कि प्रवीण भाई क्या पोकेमॉन बता दिया। तो गाइज अभी तो मैंने इसकी बात कर ली है कि क्या करना गाइज, मतलब इसको हड़बड़ी में नहीं खेल सकते हो, इसको बिल्कुल लास्ट में रखना है, कोई भी पोकेमॉन है ये ख़त्म कर देगा, यहाँ तक कि स्वाम्पट भी आए, और शील्ड देनी पड़ेगी, स्वाम्पट का हाइड्रो कैनन काफ़ी इफेक्टिव रहता है तो वो थोड़ी दिक्कत की बात है। बट ब्लास्ट बन स्वाम्पट को नहीं छोड़ेगा, स्वाम्पट इज सुपर इफेक्टिव तो नहीं है, बट ये ब्लास्ट बन अटैक है गाइज जो कि उस पर बहुत अच्छा मतलब न्यूट्रल डैमेज करता है गाइज, समझ रहे हो, न्यूट्रल डैमेज मतलब अगर वो ग्रीन है तो उसको येलो कर देगा, अगर येलो है तो लाल कर देगा, अगर लाल है तो पोकेबॉल में भेज देगा। रेजिस्टिविटी की बात की जाए गाइज, तो यहाँ पर सबसे पहले गाइज आप खुद डैमेज देख लो, ब्लास्ट रन का डैमेज कितना ज़्यादा है, मतलब शेडो बॉल की बराबरी का अटैक है गाइज।
रेजिस्टिविटी की बात की जाए गाइस, तो उसकी रेजिस्टिविटी आपको पता होनी चाहिए कि ये एक फायर टाइप पोकेमोन है, तो उसको स्टील, आइस, ग्रास, फायर, फेरी एंड बग, ये जो छः मूव्स बोले हैं, इन अटैक्स के मूव से कोई दिक्कत नहीं है इसको, कोई शील्ड करने की जरूरत नहीं है। फाइटिंग से इसको दिक्कत हो सकती है अगर गैलेड के पास क्लोज कॉम्बैट है और क्लोज कॉम्बैट इस पर पड़ता है तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, कल की ही बात है, मैंने क्लोज कॉम्बैट मार के एक टिफ्लोशन को ख़त्म किया था गाइस। सो एनीवेज इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो गाइस अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गाइस आप लोग भी जीवल में उतने ही फास्ट बन जाए जितने फास्ट बाकी लोग हैं। लोग कमेंट करते हैं यार कि मतलब प्रवीण भाई इतने फास्ट अटैक कैसे कर रहे हो, मतलब मैंने अभी पोकेमॉन स्विच किया और आपने अटैक भी कर दिया, तो उसके पीछे रीज़न यही है गाइस, बेस्ट मूव सेट। अगर आपके पास बेस्ट मूव सेट होंगे तभी आपके पोकेमॉन फ्रिक्वेंट होंगे, फास्ट होंगे, एक्टिव होंगे गाइस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, नोटिफिकेशन सारी ऑन कर देना, और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, उधर भी फॉलो कर देना गाइस। और लास्ट में जो प्रो टिप है गाइस वो ये है कि आप लोगों को चैनल पर जाना है, चैनल पे एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है द बेस्ट मूवसेट पीवीपी। उस प्लेलिस्ट में गाइस तमाम वीडियो पड़ी हुई है, किसी भी वीडियो को रैंडमली एंटर करोगे अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छी बातें मिलेंगी, कहीं से पढ़ने से अच्छा है वीडियो देख लो गाइस, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिखाई जा रही है, आपको बताई जा रही है। एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।